अजब गजब घर जमाई। क्या रहे हो आप लोग? अरे भैया, सुबह जो आप रद्दी लेके गए थे ना, उसमें हमारे दुकान के कागज थे। हम तो यहाँ आए नहीं थे रद्दी लेने के लिए। तुम लोग भी नहीं लेके गए? एक किसना बेटा जी, सोच के बुलाना चाहिए। ये लोग रद्दी लेके नहीं गए, तुमने पूरा घर कबाड़ बना दिया। सॉरी नाना जी, सॉरी नाना जी, मैं तो उन्हें ऐसे ही बुला लाया था। अगली बार पूछ के बुलाऊंगा। ये देखो, अब हम लोग क्या करें? अरे दिलो और जाओ, और क्या करोगे? ले जाओ, ले जाओ, लो लो। ये सब ये बेवकूफ लोग है ना, रख लो बेटा, दे जाओ दे जाओ। नानू ये सब छोड़ो, ये बताओ जब नानी जी से कोई गलती हो जाती है क्या करते हो आप? चिंटू बेटा, पहली बात तो जगदम्बे से कोई गलती होती भी नहीं है, अगर हो भी जाए तो हम तो अपना मुंह बंद रखते हैं, चुप रहते हैं, इसीलिए तो टिके हुए इतने सालों से। मतलब डॉली जी ने इतनी बड़ी गलती कर दी, मैं यहाँ पे घर पे बैठा रहा हूं, कुछ नहीं करूं। अब बेटा चंद, गलती सिर्फ डॉली की नहीं, तुम्हारी भी उतनी गलती है। मतलब आपके हिसाब से मेरी गलती है? तो फिर ठीक है नानी जी, कागज मुझसे गुम हुए ना, तो मैं ढूंढ के लाऊंगा कैसे भी करके। शाबाश, अब चिंटू चौटाला के अंदर का शेर जाग गया है। ऐसे क्या बताए, डॉली भी इतनी मेहनत कर रही है, बस कागज ढूंढने में लगी है, खाना पीना छोड़ दिया है। तुम भी उसकी मदद कर सकते हो भाई, एक से भले दो। लेकिन नानी, लेकिन वेकिन कुछ नहीं बेटा। अरे जब तुम दोनों को एक ही गांव जाना है तो अलग अलग रास्ते क्यों? हाँ, गेट आउट। ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन इससे पहले वाली बात क्या बोलगी नानी जी, मेरे कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा। मैं समझ गया। देखो बात है ये कि तुम जाओ डॉली को समझाओ और उसके साथ मिलके पेपर ढूंढ लो, समझे? अब मुझे भी जाना चेकअप के लिए। बड़े, अरे नाना जी काम कर रहा हूँ, इधर ही आ जाओ। डॉली जी को मनाऊं? मालिक हमें तू है, काम कर रहा हूँ। नाना जी फाइल कहाँ है? फाइल? अरे नाना जी आप चिंता मत करिए, आपने कहा था ना सुरक्षित रखना, उसको मैंने एकदम सुरक्षित रख दिया। हाँ, तो लेके आओ। बस नाना जी आप चलिए, मैं लेकर आता हूँ। सही है। इस उम्र में भी नाना जी का हाथ बहुत भारी है। डॉली जी, पूरा घर छान मारा, आप यहां मिली हो, बताओ। हमें अकेला छोड़ दीजिए चिंटू जी, प्लीज। ओ मेरी बार भी डॉली है, चिंटू चौटाला के होते हुए आप अकेली कैसे रह सकती हो? आपको अकेला छोड़ने के लिए तो पापड़ बेले क्या मैंने, हैं? मान जाओ, देखो मान जाओ, वरना मां कसम आपके टीवी सीरियल वाला डांस करके दिखा दो यहीं पे मैं। चिंटू जी मान गए, ना बात भी है? करते हैं। मतलब बीवी हंसी तो गलती माफ हो गई। हाँ, है? कर दिया माफ। क्या बात है। देखो डॉली जी, आप वही कागज ढूंढना चाहती हो ना जो गुम हो गया, जमीन के जरूरी कागज। हाँ, मैं भी ढूंढना चाहता हूँ। तो क्यों ना एक काम करें, दोनों साथ में मिलकर ढूंढने की उन कागजों को कोई तरकीब बिठाएं। बड़े अच्छे लगते हैं। कौन? आप। जब अच्छा। साथ मिलकर काम करने की बात करते हैं ना, बड़े अच्छे लगते हैं चिंटू जी आप। लेकिन आप अगर सुबह ही मान लेते कि जो पेपर्स है आपकी लापरवाही की वजह से घूमे, तो ये हमारे बीच झगड़ा ही नहीं होता ना चिंटू जी। जी कौन सी उल्टी गंगा भारी हो आप,
अभी देखो गलती आपकी है, आपने वो कागज कबाड़ी को दे दिए कबाड़ के साथ। नाना चिंटू जी गलती आपकी है, मान लीजिए। मेरी कैसे गलती है? अरे आपने तो रद्दी में वहाँ रखे थे, गलती आपकी है ना। अरे लेकिन मैंने तो संभाल कर रखे थे ना डॉली जी, आपने वो रद्दी के साथ में निकाल दिए कबाड़ी को। अरे आप चिल्ला क्यों रहे, आप फिर शुरू हो गए, आपसे तो बात करने ही बेकार है सही में। कौन बोल रहा है आपसे बात करने के लिए, सुबह से बोल रहा पागल हूँ क्या मैं, बेवकूफ मैं हूँ आप हो? आप क्यों बात कर रहे फिर हमें, हम भी डॉली शक्तिशाली है, नहीं मानेंगे इतनी जल्दी। शक्तिशाली से याद आ गया, खून में दिक्कत है, गलती करने के बाद कोई से नहीं मानता घर के अंदर की हमारी गलती है। हमारी गलती है क्या, हम क्यों माने? गजब घर जमा।